मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन द अमेजिंग ऑनलाइन सीरीज ऑफ संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर चैप्टर दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. एंड इन दिस चैप्टर, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 6. इन लेक्चर नंबर सिक्स आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे माई डियर स्टूडेंट्स, एंड दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो बी रेडी विद अ पेपर एंड अ पेन. द स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 1 इज व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम. स्टूडेंट्स, जब भी हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं हमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स को ध्यान रखना होता है. फर्स्ट वन इज आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन क्या है. सेकेंड, जो चीज़ गिवन है उस चीज़ का पता आप कैसे लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ SI यूनिट्स. एंड द थर्ड वन, द लास्ट वन इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, आपको निकालना क्या है न्यूमेरिकल के अंदर. तो बेटा स्टेटमेंट में आपको साफ साफ मेंशन है व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम. आपको क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम. एंड फॉर्मूला टू कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ओके, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट दैट इज चेंज इन मोमेंटम. And the formula of change in momentum is final P. P stands for momentum minus initial momentum. Okay, so P is mv minus mu. M stands for the mass of object. V stands for the final velocity. Again, M stands for the mass and u stands for initial velocity of the object. Okay, momentum of a car being 1500 kilogram. We know very well that kilogram is the SI unit of mass. So in this question, mass of object is 1500 kilogram. When its speed increases, speed ko increase kiya hai kisi bhi vehicle ki from 36 kilometer per hour to 72 kilometer per hour. यहाँ पे students आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी. Mass is 1500 kilogram. Initial velocity is 36 kilo मीटर पर आ, मीन्स शुरुआत में व्हीकल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था दैट इज 36, उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया. इंक्रीज करने के बाद कितना हो गया, 72 किलोमीटर पर आर. इनिशियल इज 36 एंड द फाइनल इज 72 किलोमीटर पर आर. बट आपको इस क्वेश्चन में एक चीज कुछ अलग नहीं दिख रही क्या, यू हैव टू कन्वर्ट दिस यूनिट इन टू SI सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम. एंड द SI यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड. सो कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आर, u इज 36 किलोमीटर पर आर. कन्वर्ट कर लीजिए 36 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड. ओके, और यहाँ पे हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, किलोमीटर पर आर को जब भी आप स्टूडेंट्स मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे दैट इज मल्टीप्लाई बाय 5/18. 18 टू ज़ा 36, 5 टू ज़ा 10. इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड. इन द सेम प्रोसेस आप रिपीट करेंगे विद द फाइनल वेलोसिटी, एंड द फाइनल वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आर. कन्वर्ट करेंगे 72 मल्टीप्लाई 5/18, 18 कितने में जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी इज 10, ओके, मास इज 1500 मल्टीप्लाई बी फाइनल इज 20 माइनस अगेन मास 1500 एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज 10. मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओके, 30 माइनस 15000 कितना आंसर आ जाएगा, 15000. SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. सो द मोमेंटम इज 15000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. आई होप स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इस न्यूमेरिकल में हमें क्या कैलकुलेट करना था, वी हैव टू कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम. फॉर कैलकुलेटिंग द चेंज इन मोमेंटम क्या चीज़ चाहिए हमें, फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम. मास ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, final velocity already given and the initial velocity already given in the question. Put these numerical values in the formula and you will get or you will reach to your solution result. Okay, so now move to the statement of question number second. स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम. कीप दैट थिंग इन टू माइंड. यहाँ पर क्या दे रखा है, बुलेट. मैंशन कर लीजिए हमें गिवन है बुलेट, और बुलेट का मास कितना है 10 ग्राम. SI यूनिट क्या होती है मास की, किलोग्राम. कन्वर्ट कर लीजिए 10 ग्राम इंटू किलोग्राम, कितना हो जाएगा, 10/100.
या थाउजेंड? बताइए, हंड्रेड या थाउजेंड? देखिए, वन किलोग्राम इज इक्वल टू थाउजेंड ग्राम, तो वन में इतना हो जाएगा, वन बाय थाउजेंड, टेन बाय थाउजेंड मीन्स वन बाय हंड्रेड किलोग्राम, 0.01 किलोग्राम. ओके, इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास. दूसरा ऑब्जेक्ट याद रखा है, फर्स्ट वन इज बुलेट एंड द सेकेंड वन इज, सेकेंड ऑब्जेक्ट याद रखा है हमें, सेकेंड ऑब्जेक्ट दे रखा है गन, और गन का मास हमें गिवन है 6 किलोग्राम. विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन. किसकी वेलोसिटी निकालनी है? गन. दैट मीन्स गन की वेलोसिटी आपको निकालनी है. और किसकी वेलोसिटी गिवन है? बुलेट की वेलोसिटी आपको गिवन है यू, दैट इज 300 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन. दैट मीन्स जब बुलेट गन के अंदर थी और जब बुलेट गन से बाहर निकली, बिफोर एंड आफ्टर. बिफोर सिचुएशन क्या थी? बुलेट गन के अंदर थी. आफ्टर दैट सिचुएशन क्या थी? बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन. दैट मीन्स बिफोर एंड आफ्टर. बिफोर क्या हो जाएगा? एम यू इज इक्वल टू एम वी. बिफोर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, मोमेंटम रिमेन्स सेम. सो बिफोर कोलिजन मास इज 0.01 किलोग्राम एंड द वेलोसिटी इज 300. मास इज मास ऑफ गन. स्टूडेंट्स, ये हमारी सिचुएशन है गन की और ये हमारी सिचुएशन है बुलेट की. मास इज 6 किलोग्राम, वेलोसिटी यू हैव टू कैलकुलेट. तो 6 यहाँ आएगा डिवाइड में, 0.01 मल्टीप्लाई बाई 300 अपॉन में 6. डेसिमल को या यहाँ कर ली, 6 5 30, 0.01 मल्टीप्लाई बाई 50. सॉल्व कैसे करेंगे? 1 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 50, 52 जा 100, 1 बाय 2, 0.5 मीटर पर सेकेंड इज द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन. स्टूडेंट्स, जब भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे, आपको एक ही चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, दैट इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कंजर्व. एक्सीडेंट से पहले जो सिचुएशन थी वही सेम सिचुएशन एक्सीडेंट के क्या होगी? बाद होगी. बट मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट. कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एक्सीडेंट की प्रोसेस से पास आउट हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का मास सेम रहेगा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, बट वेलोसिटी चेंजेस. वेलोसिटी हो सकता है ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाए. ओके, सो लेट्स मूव विद द स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 3. और आज इस ऑनलाइन सेशन में हम 3 न्यूमेरिकल्स को ही डिस्कस करेंगे. ओके, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम. अब यहाँ देखिए, हमें एक ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? बुलेट. तो फर्स्टली मेंशन कर लीजिए क्या दे रखा है, बुलेट. और बुलेट का मास हमारे पास कितना है? 10 ग्राम. कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो कितना हो जाएगा? 0.01 किलोग्राम. इन द प्रीवियस एग्जाम्पल हमने कन्वर्जन करके आपको दिखाया है. मूविंग विद ए वेलोसिटी, बुलेट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज 400 मीटर पर सेकेंड. गेट्स एम्बेडेड, अंदर चला गया है इन ए फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक. क्या है? बुलेट एक वुडन ब्लॉक के अंदर चला गया. यह सिचुएशन है, ये हमारे पास वुडन ब्लॉक है, एक बुलेट इसके अंदर चला गया है. वुडन ब्लॉक ऑफ मास. दूसरा क्या है ऑब्जेक्ट? दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास वुडन ब्लॉक जिसका मास कितना है? 900 ग्राम. मास की ऐसे यूनिट क्या होती है? किलोग्राम. दैट मीन्स 900 अपॉन में 1000 किलोग्राम, 9/10 किलोग्राम इज द मास ऑफ वुडन ब्लॉक. वट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक? ब्लॉक ने कितनी वेलोसिटी एक्वायर्ड की है? अब आप क्या करेंगे, ये जो मास दे रखा है वुडन ब्लॉक का, दैट इज 900 ग्राम, यहीं तक कर देंगे. बट एक चीज का ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बुलेट अब वुडन ब्लॉक के अंदर चली गई है, दैट मीन्स मास क्या होगा? कंबाइन का मास वुडन ब्लॉक का प्लस में मास किसका होगा? बुलेट का. 9/10 कितना हो जाएगा? 0.9 प्लस बुलेट का कितना मास था? 0.01. दोनों को ऐड करेंगे, 0.01 0.9 कितना आ जाएगा? 0.91 किलोग्राम. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, 0.91 किलोग्राम. क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वुडन ब्लॉक का मास दे रखा है लेकिन सिचुएशन क्या है, बुलेट वुडन ब्लॉक के अंदर है, तो दोनों का कंबाइंड मास चाहिएगा हमें. लगा दीजिए, क्या निकालना है? व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक? ब्लॉक ने कितनी वेलोसिटी एक्वायर्ड की है?
एम यू इज इक्वल टू एम वी. ओके, एम यू कितना, मास कितना गिवन है बुलेट का, 0.01, वेलोसिटी इज 400. अब मास कितना है कंबाइंड मास, 0.91, एंड वेलोसिटी आपको निकालनी है. ईओ इधर आएगा, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 400 अपॉन में 0.91 इंटू वी. डेसिमल से डेसिमल रिमूव, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 400 अपॉन में 91 वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड. ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3. तो इसको आपको बहुत ध्यान से केयरफुली करना है. आई होप ये सभी न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए. थैंक यू वेरी मच.